हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके अभी छोटे बच्चे हैं, जिनके दांत आने हैं और कंसर्न है जो अपने बच्चों को लेके कि हमें बच्चों के दांतों की देखभाल कैसे करनी है, कब से उन्हें ब्रश स्टार्ट कराना है, कैसे उनके दांतों को सही रखना है कि उन्हें कैविटीज़ या और भी कोई डेंटल प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति रोहानी भट्ट फ्रॉम LRK डेंटल केयर दिल्ली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़े और अगर किसी का आपके रिलेशन में छोटा बच्चा है और वो कंसर्न है कि कैसे उसके दांतों की देखभाल करनी है तो आप उनको सलाह दे सकें कि इस तरीके से आप अपने बच्चों की दांतों की देखभाल कर सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि बच्चों के दांत के आने का समय क्या होता है। जनरली लोगों का ये मिथ होता है कि जब बच्चों के सारे दांत आ जाएं उसके बाद उनको ब्रशिंग स्टार्ट करनी चाहिए या उसके बाद हमें दांतों को क्लीन करना चाहिए, पर ये बिल्कुल गलत धारणा है। जहाँ से बच्चे के दांत आने शुरू होते हैं, जैसे कि 6 से 8 महीने के बच्चे के दांत आते हैं आगे के, तो जहाँ से उसके दांत आ गए वहीं से ही दांतों को अच्छे से क्लीन करना है। उसी टाइम 6 महीने का बच्चा जो होता है वो सॉलिड फूड खाना स्टार्ट कर देता है। तो जब आपका 6 महीने का बच्चा है और उसके आगे के ऊपर नीचे के दोनों तरफ के दांत आ चुके हैं तो आपको पहले स्टार्टिंग में ब्रश यूज़ नहीं करना है। स्टार्टिंग में तो कॉटन के कपड़े से या फिर जो कॉटन की हैंकी होती है उसको उंगली में लपेट के उससे आपको चारों तरफ से दांतों को अंदर बाहर सारी तरफ से क्लीन करना है। ऐसे ही मसूड़ों को भी क्लीन करना है। उसी तरीके से आपको बच्चे की टंग को भी क्लीन करना होता है। आपको लग रहा है इससे क्लीन नहीं हो पा रहा उतने अच्छे से कॉटन के कपड़े से, तो एक बैंडेज के जैसा कपड़ा आता है आप उसको मार्केट से ले लीजिए और उसको उंगली में लपेट के उससे आप टंग को भी, मसूड़ों को भी, दांतों को भी चारों तरफ से क्लीन करिए। जब बच्चे के थोड़े से दांत और आ जाते हैं तो आप बेबी ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो सिलिकॉन ब्रश आते हैं ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं आप वो खरीद सकते हैं। उसको फिंगर टिप पे लगा के उससे धीरे धीरे करके राउंड करके ही, जैसे आप बड़ों का ब्रश किया जाता है उसी तरीके से छोटे बच्चों में भी धीरे धीरे करके क्लीन करना चाहिए राउंड राउंड करके। ऐसे ही आपको मसूड़ों को भी और टंग को भी उस सिलिकॉन ब्रश से या फिर जो बेबी ब्रश आता है उससे क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी बार भी खाना खाएंगे उतनी बार बच्चे को अच्छे से रिंस कराने की आदत डालिए, पानी से अच्छे से कुल्ला करने की। जब तक बच्चा खुद से कुल्ला नहीं करता तब तक आपको अपने हाथ से पानी से उसका मुंह को क्लीन करना है। जहाँ से बच्चा अच्छे से रिंस करने लग जाए, ब्रश करने लग जाए, वहाँ से आपको उसको अच्छे से क्लीन कराने की हैबिट डालनी है। जितनी बार भी वो खाना खाए उसके बाद पानी पीना है ताकि मुँह में कोई भी बैक्टीरिया ना जमा हो या फिर अगर कहीं फूड पार्टिकल रह गया है तो वो फूड पार्टिकल नहीं जमा होगा। जितनी बार भी उसको दूध पिलाते हैं उसके बाद अच्छे से कुल्ला कराना है। सोने से पहले जो दूध पिलाने की हैबिट होती है उसमें चीनी ना मिलाएं, बिना चीनी का ही बच्चे को दूध पीने की आदत डालें। इसके अलावा सुबह शाम जहाँ से ब्रश करना बच्चा सीख जाता है, जैसे कि 2 साल तक बच्चे के सारे दांत आ जाते हैं, 2 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे फ्लोराइड टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट बच्चों के लिए है बेस्ट। टूथपेस्ट 2 साल से लेकर 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं उसमें फ्लोराइड की बहुत ज़रूरत होती है, तो जिन टूथपेस्ट में फ्लोराइड ज़्यादा होता है उनको हमें बच्चों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जो बच्चों के टूथपेस्ट होते हैं वो ही बच्चों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उसमें एक प्रॉपर क्वांटिटी होती है कि इतना ही फ्लोराइड बच्चों को यूज़ करना है। उससे क्या होता है कि अगर बच्चा बाई चांस वो टूथपेस्ट अंदर खा भी लेता है तो उसको उतना डैमेज नहीं होता है। फ्लोराइड टूथपेस्ट क्यों इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों में, क्योंकि फ्लोराइड के अंदर प्रॉपर्टी होती है एंटी केरियस, वो कैविटी नहीं होने देता है। तो हमें बच्चों में जो कैविटी नहीं होने वाला टूथपेस्ट है वही इस्तेमाल करना चाहिए, एडल्ट टूथपेस्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उसमें फ्लोराइड ज़्यादा होता है। 12 साल के बाद वाले जो बच्चे होते हैं 12 साल से 18 या उसके आगे भी वो एडल्ट टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बच्चा छोटा है यानी कि 2 से 5 साल 6 साल तक का जो बच्चा होता है वो ढंग से ब्रशिंग नहीं जानता है, उसे प्रॉपर ब्रश करना नहीं आता है, तो हमेशा जब भी बच्चे को ब्रश कराएं
उसको अपनी निगरानी में ही ब्रश कराना है, उसको प्रॉपर ब्रश करना सिखाएं, और जब बच्चा ब्रश कर ले तो एक बार खुद से आपको उसको ब्रश कराना है। ब्रश को कराने का तरीका है राउंड राउंड करके आगे, इधर से भी अंदर से भी बाहर दोनों तरफ से घुमा घुमा के ही, जैसे हम बड़ों में करते हैं वैसे ही बच्चों में भी करना है। सुबह और शाम दोनों टाइम ब्रश करने की हैबिट डालिए। खाना खाने से पहले ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद बच्चे को दूध भी नहीं पिलाना होता है रात में। जो भी आपको पिलाना है खिलाना है वो ब्रश करने से पहले खिलाएं, उसके बाद बच्चे को नहीं खिलाना है ब्रशिंग के बाद। इसके अलावा जितनी बार भी बच्चा खाना खाता है उसको जो भी आप मीठा दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे अगर स्टिकी फूड ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर मीठा खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी ग्रोथ के लिए भी वो चीज़ ज़रूरी होती है, लेकिन उसको इस तरीके से करिए खिलाइए कि उसमें उस फ्रिक्वेंटली नहीं खिलाना है उसको मीठा। मीठे या कुछ भी आप उसको खाना दे रहे हैं जो हाईली जिसमें शुगर होती है, ऐसी कोई अगर उसको आप डाइट दे रहे हैं तो उसको आपको फ्रिक्वेंटली नहीं खिलाना है। एक गैप के बाद बच्चे को मीठा दें। जैसे आपने अभी खिलाया है तो उसको एक घंटे के बाद फिर से टॉफ़ी नहीं देनी है या फिर से चॉकलेट नहीं खेलनी। वैसे तो ये चीज़ अवॉइड करें तो अच्छा है, ये चीज़ नहीं खिलानी चाहिए, बट अगर आप खिलाते हैं तो उसको हमेशा खाने से पहले खिलाइए या इसके बाद टॉफ़ी चॉकलेट खाने के बाद कुछ ऐसी चीज़ दे दीजिए, जैसे खीरा या इस तरह की कोई भी चीज़ दे दीजिए जो बच्चा खाए। तो अगर वो बाई चांस टॉफ़ी चॉकलेट उसके दांत में स्टिक हो गई है तो वो खीरे या किसी भी ऐसे फूड के साथ निकल के बाहर आ जाए। तो हमेशा खाना खाने से पहले बच्चे को मीठा, टॉफ़ी चॉकलेट, जो भी आप खिलाना चाहते हैं, बच्चा डिमांड कर रहा है, तो थोड़ा बहुत उसको खाने से पहले दे सकते हैं ताकि वो फूड स्टिक ना हो। और खाना खाने के बाद बच्चे को सिखाइए कि उसको शुरू से ही आपको अच्छे से रिंस करना सिखाना है, अच्छे से दांतों को क्लीन करना सिखाना है। इसके अलावा बच्चे में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की आदत डालिए। ऐसे नहीं कि अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो डेंटिस्ट के पास जाके इंजेक्शन लगा देंगे, ये एक नेगेटिव अप्रोच होती है। हमेशा बच्चे को क्यों हमें दांतों को क्लीन रखना है, अगर कैविटी लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें उसको समझाइए ताकि वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही अपने दांतों को क्लीन रखे, ना कि नेगेटिव एटीट्यूड के साथ। होप सो। इसके अलावा अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, आपको कुछ और सवाल पूछने हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके जितने भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।